हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरोत्तम। और दोस्तों, आज मैं आपको यूट्यूब के कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जिनको देख के आप हैरान रह जाएंगे और अपने दोस्तों को भी आप हैरान कर सकते हैं। तो ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ टाइप करते हैं डू द हार्लम शेक्स। तो आप जैसे ही इसको टाइप करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे एक म्यूज़िक यहाँ बजना स्टार्ट हो जाएगा, और यूट्यूब देखिए यहाँ डांस करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ी देर बाद ये वीडियो भी यहाँ डांस करना स्टार्ट कर देंगे, आप देखेंगे। देखिए ये पूरा YouTube डांस कर रहा है दोस्तों। तो आपको इसके लिए टाइप करना है डू द हार्लम शेक। तो इसकी मदद से आप अपने दोस्तों को भी हैरान कर सकते हैं कि ये YouTube पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अगली ट्रिक्स के बारे में। तो अगली ट्रिक्स जो है हमारी, उसके लिए आपको टाइप करना होगा यूज द फोर्स ल्यूप। यूज द फोर्स ल्यूप, तो आपको सेम ऐसे ही टाइप करना है जैसे मैंने किया है, और सर्च पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे आपका यूट्यूब फिर से डांस कर रहा है। आप देखेंगे वीडियो डांस कर रहे हैं, जिस साइड आप माउस लेके जाएंगे उस साइड ये अप और डाउन होता जाएगा, आप देख सकते हैं। इसकी मदद से भी आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं कि ये YouTube पे क्या हो रहा है, ये डांस क्यों कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। तो आइए जानते हैं हमारी अगली ट्रिक्स के बारे में। हमारी अगली ट्रिक्स जो है, उसके लिए आपको यहाँ टाइप करना होगा डॉग मे मे। तो आप देखेंगे ये जो आपका साइड बार है और आपका जो जो भी वीडियो यहाँ शो होंगे उनके कलर्स जो हैं, फ़ॉन्ट कलर कलर वगैरह और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, वो एकदम चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे डॉग मे मे, तो आप देखेंगे कि ये आपका साइड बार जो था इसका कलर फाउंट ये चेंज हो गए हैं, और आपके ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ आ रही है और टाइटल यहाँ आ रहा है इसका भी फाउंट और फाउंट साइज कलर इसके साथ इसका चेंज हो गया है। तो इसकी मदद से भी आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं कि ये कैसे आपने फाउंट साइज फाउंट कलर चेंज किया है इसका। ये आप देख सकते हैं इसके नीचे भी सारे फॉन्ट्स का कलर चेंज हो गया है इसको टाइप करते ही। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। तो आइए जानते हैं हमारी अगली ट्रिक्स के बारे में। तो अगली ट्रिक्स यूज़ करने के लिए आपको कोई एक वीडियो चूज़ करना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे, मैंने ये वीडियो एक चूज़ कर लिया। तो ये वीडियो चूज़ करने के बाद यहाँ इसके टाइटल बार के स्टार्ट में www. के बाद आपको यहाँ टाइप करना है GIF। जैसे ही आप GIF यहाँ टाइप करेंगे एंटर करेंगे तो ये आपको एक नई वेबसाइट पे लेके आएगा जहाँ आप इस वीडियो को में कैप्शन ऐड कर सकते हैं, स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, इसको क्रॉप्स कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं। तो ये आपको नई वेबसाइट पे ले आएगा जहाँ भी आप इसको इफ़ेक्ट देना चाहें या इसमें एडिटिंग करना चाहें, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्रॉप करना चाहूँ तो यहाँ से आप देखेंगे ये यहाँ राइट क्लिक करें तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, इसको भी आप यूज़ कर।
तो दोस्तों आइए जानते हैं अगले ट्रिक्स के बारे में। तो उसके लिए आपको अपने YouTube का जो सर्च बार है उसमें टाइप करना होगा लीन बैक स्लैश, सॉरी यहाँ आपको टाइप करना होगा लीन बैक। जैसे ही आप लीन बैक टाइप करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो यूट्यूब है वो एक उसका थीम चेंज हो जाएगा, वो आपको एक अलग लुक्स में नज़र आएगा। तो आप यहाँ कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे न्यूज़ सॉन्ग मैं सर्च करता हूँ, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे सर्च वैसे ही होगा लेकिन आपको थीम अलग एक नज़र आएगा YouTube का, अलग थीम में YouTube आपको दिखेगा। देखिए आपका जो सॉन्ग आप प्ले करेंगे वो भी एक अलग लुक में आपको दिखेगा। आप कोई भी वीडियो प्ले करें तो आपको अलग लुक में नज़र आएगा। तो इसकी मदद से भी आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आइए जानते हैं हमारे अगले ट्रिक्स के बारे में। तो उसके लिए आपको यहाँ कोई भी वीडियो प्ले करने से पहले टाइप करना होगा रिपीट। ये काम क्या करेगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वीडियो बहुत पसंद आता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई सॉन्ग यूट्यूब पे बहुत पसंद आता है और आप चाहते हैं कि वो बार बार प्ले हो, तो आपको उसके लिए करना क्या होगा कि आपको जैसे मान लीजिए मुझे ये सॉन्ग एक बहुत अच्छा लगा तो मुझे ये सॉन्ग बार बार प्ले करना हो तो मैं यहाँ YouTube के बिल्कुल बाद और .com से बिल्कुल पहले टाइप करूँगा रिपीट ATT। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपको एक अलग वेबसाइट पे ले जाएगा। तो वो हो सकता है ये कि आपको यहाँ साइन इन के लिए पूछे लेकिन ऐसा होगा नहीं, लॉगिन आप कर भी सकते हैं इसमें। तो आप जैसे ही ये सॉन्ग बंद होगा ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ इसको करके दिखाता हूँ आपको, तो जैसे ही सॉन्ग ख़त्म होगा तो ये फिर से रिप्ले हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा यूट्यूब टिप्स है, इसकी मदद से भी आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं और अपना कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग या यूट्यूब वीडियो हो उसको आप बार बार प्ले कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं अगले ट्रिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको यूट्यूब में कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर देखना है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप वो कैसे देख सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए मुझे न्यूज़ सॉन्ग्स अगर देखने हैं तो आप देख सकते हैं कि YouTube अपनी मर्ज़ी से आपको सॉन्ग यहाँ शो करेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको वही सॉन्ग देखना है जो कल YouTube पे डाला गया है तो उसको आप कैसे देख सकते हैं। उसके लिए आपको फिल्टर पे क्लिक करना होगा और आप देख सकते हैं आप लास्ट आवर का जो भी वीडियो अपलोड हुआ है उसको भी देख सकते हैं, आज का वीडियो भी देख सकते हैं, इस हफ्ते का वीडियो भी देख सकते हैं, इस मंथ का वीडियो भी देख सकते हैं और इस ईयर का वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे मुझे आज के जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं इसमें सॉन्ग से रिलेटेड तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वही सॉन्ग्स मुझे दिखाई देंगे जो इस आज अपलोड किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये वही सॉन्ग हैं जो आज अपलोड किए गए हैं यूट्यूब पे। और फिल्टर से आप 4K क्वालिटी का वीडियो भी अगर सर्च करना चाहें तो वो भी सर्च कर सकते हैं, HD वीडियो सर्च करना चाहें वो भी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स इसमें वीडियो के हैं, जैसा भी आप वीडियो सर्च करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपको 4 मिनट से कम लेंथ का वीडियो देखना है तो आप यहाँ सर्च क्लिक करें, अगर आपको लॉन्ग 20 मिनट से ऊपर का वीडियो देखना है या 20 मिनट तक का वीडियो देखना है तो आप यहाँ क्लिक करें। और इसके साथ आपको क्रिएटिव कॉमन वीडियो अगर देखना है तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है दोस्तों और एक काफ़ी अच्छा एक ट्रिक्स है।
तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।